हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईडीयू ट्री में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने जून 2022 में अपना एग्ज़ाम दिया है और उन्हें बेसब्री से इंतज़ार है कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा। अगर आप भी अपना रिजल्ट जानना चाहते हैं इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इसमें पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि अपने रिजल्ट को आप कैसे चेक कर सकते हैं और आपके जो जून 2022 के एग्ज़ाम है उसके नंबर कब तक अपडेट हो जाएंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर बात करें जून 2022 की, तो आप इसके लिए सबसे पहले आपको इग्नो की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल सर्च बॉक्स में जाकर गूगल पे इग्नो सर्च कीजिए और इग्नो के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए। पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। इसमें खुलते ही नीचे रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, तो रिजल्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो, इसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से खुलकर सामने आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रिजल्ट के ऑप्शन में आपको टर्म एंड एग्ज़ाम, ग्रेड कार्ड, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो टर्म एंड पे क्लिक करें। इसके बाद आपको इनरोलमेंट नंबर डालते ही आपका रिजल्ट शो कर देगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इग्नो की तरफ से जो अन्य जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं एक साथ सबके रिजल्ट नहीं आते। जैसे जैसे आपकी कॉपी चेक होती जाती है वैसे वैसे आपके रिजल्ट शो किए जाते हैं। इसलिए आप जब देखेंगे, अपने रिजल्ट को चेक करेंगे, तो सारे सब्जेक्ट के नंबर अपडेट नहीं होंगे। जिन भी सब्जेक्ट का कॉपी आपका चेक हो गया रहेगा उसका नंबर शो करेगा और जिसका अभी बाकी है वह चेक होने के बाद आपको दोबारा नंबर उसका अपडेट दिखेगा। तो यहाँ टर्म एंड चेक करना चाहते हैं तो टर्म एंड पे जाके क्लिक कीजिए। ग्रेड कार्ड चेक करना चाहते हैं तो ग्रेड कार्ड के अंदर आपको असाइनमेंट और आपके थ्योरी दोनों के नंबर दिखाएंगे। टर्म एंड में जो ने आपने थ्योरी पेपर दिया था उसके नंबर दिखाएंगे। तो चलिए हम टर्म एंड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से अगला पेज ओपन होता है। ये क्लिक करते ही आपको आ जाएगा नीचे ऑप्शन कौन से ईयर का आप चेक करना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए दिसंबर 2021 का चेक करना चाहते हैं या फिर जो जून 2022 का है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जून 2022 का भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, यानी कि अब तक इसका कोई ऑप्शन या कॉपी चेक होकर उसका अपडेट नहीं किया गया है नंबर। इसलिए आपको जून 2022 का ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2021 के हैं वे जा सकते हैं और उस पर क्लिक करते ही उनका ये नंबर यहाँ शो करेगा। यहाँ आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे।